नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। नई कृषि नीति के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कानूनों के बाद पंजाब सहित देश के कई हिस्सों में किसानों की अगुवाई में विरोध हो रहा है, जिसको किसान आंदोलन का नाम दिया गया है। दिल्ली राज्य के 3 प्रवेश द्वारों पर किसानों ने अपने खेमे लगा दिए हैं। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद जब पहली बार कोई राजनीतिक चुनाव हुआ तो साफ समझ में आ गया कि किसानों का आंदोलन बीजेपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। पंजाब में नगर पंचायतों के चुनाव के नतीजे आए वे केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए बुरी खबर के रूप में आए। हालांकि यह भी सच है, जहां बीजेपी के खिलाफ बड़ी पार्टी का मुकामी नेता मजबूत है वहां बीजेपी को, लेकिन अगर विपक्ष लूजपुंज है तो बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पंजाब के बाद ही गुजरात में बड़े नगर निगमों के चुनाव हुए, जहां बीजेपी को भारी फायदा हुआ। यह नतीजे यह भी ऐलान कर रहे हैं कि अगर विपक्ष में कोई मजबूत पार्टी या नेता खड़ा होगा तो बीजेपी के खिलाफ जनता वोट देने के लिए तैयार हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की पंजाब में सरकार है और पिछले 4 साल और अमरिंदर सिंह की सरकार में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके कारण उनका विरोध भी है, लेकिन नगर पंचायतों के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अकाली दल और बीजेपी से नाराज लोगों ने टूटकर कांग्रेस का समर्थन दिया है। कांग्रेस का लगभग सभी नगर पंचायतों पर कब्जा हो गया है। इन नतीजों से बीजेपी की उन उम्मीदों को झटका लगा है जिसके तहत उनके नेता सोच रहे थे। यह चुनाव मूल रूप से शहरी इलाकों में हुए हैं। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले ज्यादातर किसान गांव में रहते हैं। बीजेपी वाले सोच रहे थे कि शहरी इलाकों में अगर अच्छा समर्थन मिल गया तो किसान आंदोलन को अलोकप्रिय बताने में मदद मिलेगी। बंगाल में भी बीजेपी को अपनी चुनाव रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। वहाँ इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सबको मालूम है कि नंदीग्राम में किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर बंगाल की मुख्यमंत्री दशकों से जमी हुई वाम मोर्चे की सरकार को उखाड़ फेंका था। उस आंदोलन का प्रमुख नौजवान चेहरा था शुभेंदु को बाद में ममता बनर्जी ने मंत्री बनाया। उसके पूरे परिवार को राजनीति से जो भी लाभ संभव है मिलता रहा, लेकिन बीजेपी ने उसको तोड़ दिया। कोशिश यह थी कि किसानों के नेता के रूप में बनी उनकी छवि का लाभ लिया जाएगा। बहुत ही बाजे गाजे के साथ उनको बीजेपी में भर्ती किया गया था, लेकिन जब किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी की आज बंगाल में भी दिखने लगी तो पार्टी के चुनावी रणनीति में बदलाव किया। असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में आ गए हैं। बीजेपी के सभी नेता अपने भाषणों में ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी को नए कृषि नीति की वजह से चुनावी नुकसान हो रहा है। यह भी संभव है कि राजनीतिक नुकसान का आकलन करने के बाद बीजेपी और उनकी सरकार किसानों की मांगों को मान भी ले और तीनों कानूनों को वापस ले ले, लेकिन वह देश के लिए ठीक नहीं होगा। आंदोलन का असर गांवों में किसानों की नाराजगी के रूप में साफ नजर आ रहा है। बीजेपी को अगर इस बात का सही अंदाजा लग गया है तो खेती के औद्योगिकरण और पूंजीवादीकरण पर रोक लग जाएगी, किसानी उसी हरित क्रांति के दौर में बनी रह जाएगी। नई कृषि नीति लागू करने के लिए देश में सभी गुणीजन मिल बैठकर कृषि नीति के जरूर सुधारों की बात करें। सरकार भी जिद छोड़कर कृषि नीति में जो किसान विरोधी धाराएं हैं उनको सही कर दे और किसान भी सभी कानूनों को वापस लेने की जिद छोड़कर किसानों के फायदे वाला कानून बनाने की बात करे। कृषि कानून में बदलाव जरूरी है क्योंकि हरित क्रांति के बाद कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाहरलाल देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी विकास के रास्ते पर डाला था तो उन्होंने कृषि में बड़े सुधारों की बात कही थी। मौजूदा कानून उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए नए कृषि कानून का विरोध हो रहा है। खेती को अगर विकास का औजार और ग्रामीण गरीबी को घटाने के वाहक रूप में रखना है तो कृषि सुधारों का पूरी तरह से विरोध नहीं किया जाना चाहिए। 1991 से 92 में जो होना चाहिए था अगर उसमें और देर की गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बढ़ेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गरीबों की रक्षा करने वाली कृषि नीति के आधार पर बात करते हुए खुले बाजार की सुविधा नहीं दी, खेती की पैदावार पर निर्यात के कंट्रोल लागू रहे, उपज की आवाजाही पर भी सरकारी सख्ती थी। नतीजा यह हुआ कि खेती से प्रति एकड़ कम कीमत मिलती रही, किसान के पास आमदनी ही नहीं थी तो मजदूरी भी कम रही।